ये कहीं उसे छुड़ाने उस फोर्स में ना चली जाए, हो सकता है ना, बिकॉज वही तो वो चाहता है। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में, और आज हम लेके आए हैं अरुंधति मूवी के पोस्ट इंट्रो सीन का रिएक्शन। एंड इंट्रो सीन तो बहुत धमाकेदार था, एंड उसके बाद हमने देखा किस तरीके से लाइक उनकी यहाँ पे एक सॉन्ग आया जिसमें हमें मिलने को मिला, मतलब देखने को मिला खासकर आप कैसे थे अरुंधति को, एंड वो किस तरीके से लाइक अनुष्का शेट्टी उस रोल में इतनी क्यूट लग रही थी, प्यारी लग रही है, एंड उनकी वो शादी हो रही है वहाँ पे, तो लाइक एक्टर को भी मैं जानता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, पर वो उनके साथ उनकी शादी होने वाली है, सब चीज़ बढ़िया चल रही है। लेकिन उसी के बीच में वहाँ पे एक बहुत ही थर्स्टी कह सकते हो भूत आता है, और वो आके इस तरीके से अरुंधति तो चाहिए मेरे को, एंड वो उसका यही है कि गढ़वाल लेके आना है। अब वो कैसे करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स अरुंधति तो बाहर रहती है, तो क्या होगा कैसे होगा देखते हैं। वही अब तक का जो सीन था काफी कमाल का था, एक प्यारी लग रही है अरुंधति भी, एक पूरे एंजॉय कर रही है कि उनकी खुद की शादी हो रही है, और वो उस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है, खेल रही है, डांस कर रही है, हंस रही है, और वहीं पे एकदम से पीछे से बताया जाता है कि ऐसा लाइक जो भी है भूत है जो भी है वो आता है, और अरुंधति को इस तरीके से देखता है, लाइक उनकी पूरी बॉडी ऐसे देखता है, और फिर यू नो क्रेव करता है उनकी बॉडी के लिए और अरुंधति के लिए। तो यस, और इंट्रो सीन भी हमने देखा था, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगा था कि क्या सीन है इस मूवी का, क्या स्टोरी हो सकती है। तो यस, आगे की एक्चुअल स्टोरी तो अब आगे ही पता चलेगी, तो देखते हैं क्या होने वाला है, वही देखते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हैदराबाद में शायद गढ़वाल एक्चुअल शहर है भी कि नहीं। अरे ओ भाई, इससे क्या होगा, और पानी लीक की आवाज नहीं सुनाई दे रही उनको। बट पानी से क्या होगा, अरे गिराएंगे क्या। हाँ, गए क्या बचे ना, बट वो पानी टर्न हो गया। नीचे देखो, ओ भाई पानी रिवर्स भी जा रहा है, ये तो भाई अलग ही टेक अलग भाई। पर वो भूत ट्रैप्ड है, तो वो इतना कैसे कर सकता है। हाँ, मैं वही सोच रही थी, अगर ताते ऐला उन्नाडु ना कंगर गांदी इपड़ी पट्टी प्लेंटी। ओ ले आए गए गढ़वाल, ले आया वो भूत, बहुत सिंपल था। हाँ, क्या स्लो मो हो गया, पर वो ट्रैप्ड है ना, मुझे ये जानना कि वो कैसे ये सब कर पा रहा है। कोई शक्तियां होंगी जाने, तिरिगे निन्नो ये गद्वाल पोले मेरा दाते बड़ा रे बने, और उनकी मदर ने रोका था जाने से। ఉరుకులు గంతలు వేయడానికి అబ్బే లేదండి, నేను ఉరకలేదండి గంతలేదండి, మరి ఎవరైనా తోసేశారా? ఆ అలాగే అనిపించిందండి, కానీ చూస్తే పక్కన ఎవరు లేరండి। అసలు మీరు ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలి, వెళ్ళే మాతో హైదరాబాద్ బయలుదేరండి। ఆ మేము కూడా అదే చెప్తున్నామమ్మా, వింటేగా మంచులో నువ్వు మాట్లాడతావేంటి, ఏంటి మరి ఇక్కడ మన భూములు మన సంస్థానం మన మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళందరినీ నేనే చూసుకోవాలి కదండి। వీళ్ళందరినీ చూసుకోవాలంటే ముందు నీ ఆరోగ్యం బాగుండాలని చెప్పారా? మరి వాళ్ళ అమ్మ జేజమ్మ ముందు అప్పుడు ఇప్పుడు చిన్నోడే। చంద్రమా బాగున్నావా? బాగున్నాను తల్లి, నీ పెళ్లికి ముహూర్తం పెట్టుకుని తొలిసారిగా నీ సంస్థానానికి వచ్చావు కదమ్మా, జేజమ్మ దేవనల్ టు యువర్ కింగ్డమ్। అలాగే చంద్రమా, तो लाइक पहले जेजेमा के यहाँ किंगडम हुआ करता था। ओ वाह, पूरी एक जोत बना रखी है, फोटो भी है। वाह, ये तो वही है मतलब, है ना, तभी तो वो कहते हैं कि उन्हीं के रूप में वापिस आई है। इनकी कुछ बैग चोरी बहुत तगड़ी होगी।
ఈ వంశంలో పుట్టే తొలిచూరు ఆడబిడ్డకి నా పేరే పెట్టండి, నేనే మళ్ళీ పుట్టానని నమ్మండి. మళ్ళీ పుట్టి ఈ సంస్థానంలో అడుగు పెడతానన్న నీ మాట నిలబెట్టుకున్నావమ్మా, నిలబెట్టుకున్నావు చంద్రమా, నిలబెట్టుకున్నావు చంద్రమా. జేజమ్మ ఎక్కడో లేదు, ఎప్పటికీ మనతోనే ఉంటుంది. ఉందమ్మా, ఎప్పుడు మాతోనే ఉంది. क्या हो गया इसको? తీసుకొస్తుంటే మన కోట దగ్గర కార్ కి యాక్సిడెంట్ అయ్యి. మరి సుశీల అంటున్నాడు, వాళ్ళ ఆవిడకి ఏమైంది? ఏమైందో తెలియదమ్మా. మరి వైద్యం ఏం చేయించట్లేదా? ఇక్కడ ఇలాంటి చేష్టలకి గాలి రక్షణలకి వైద్యం చేసే ఫకీర్ ఒకతడు ఉన్నాడు, ఇవాళ అతని దగ్గరికి పంపిస్తున్నానండి. ఫకీరా? पर वो लड़का भी गलत नहीं है, पर लोग इनको पागल समझ रहे हैं. నువ్వు ముసల్మాను కదా, దర్గా దగ్గర పంచాల్సిన బూందీ మిఠాయి గుడి దగ్గర పంచుతున్నావేంటి? వేదాల్లో దేవుళ్ళు వేరు గాని వాళ్ళు పుట్టించిన ఆకలి మాత్రం ఆకలి అన్న వారికి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు. అర్ధరాత్రి బాబు ఉలికి పడ్డాడు, అప్పటి నుంచి ఉచ్చపోయట్లేదు. పక్క తడిపి వయసులో బిడ్డని ఒంటరిగా వదిలేసి నువ్వు ఉలిక్కి పడరా? సూకరు బచ్చా, సూకరు బచ్చా, సూకరు బచ్చా, సూకరు బచ్చా. ఉచ్చపోసుకుపోయాడు. అల్లా అచ్చా కరేగా, బజరంగబలి రక్షా కరేగా. మతలబ్ యే సబ్ కర్తే ఐసా బతా రహే హో. ఏయ్ మడల్ తీస్తా రే సైతాన్, చప్. अच्छा वो रेखा को क्रॉस नहीं कर सकती है वो. आदि अल्लाह रक्षा, शुद्र पिशाच चालू आ गीत दाटले वो अंदर के दी अल्लाह आलयम निलांटी दयाल को कहिनो. ए चुप, ए इसके अंदर जाओ, जाओ वेल्लो अजाड़ेल को वेल्लो. वीडेंट पिछोड़ लो नडू. लेदम्मा अतनो चाला गोपवाड़. बिस्मिल्लाह रहमान रहमान या अली. वेल्लो करीम जी, आज रात इस झाड़ी को स्मशान में भू स्थापित करो. अच्छा जी. सुंदर अम्मा अय्या, बच्चे को ले जाओ. अलागे सूर्मा गंटी की पेट्टू भस्म नीलों कल ताग सुशील पूजे दृष्टि अरे चार మనిషి బ్రతకాలంటే పట్టిన దెయ్యం వదలాలి బెట్టి. దెయ్యం వదలాలంటే దెబ్బ గట్టిగా పడాలి. నాకేమైనా సరదానా కొట్టాడా? ఈ రోజుల్లో కూడా దెయ్యాలున్నాయని ఇంకా నమ్ముతున్నావా? దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతావా? నమ్ముతాను. అయితే అప్పుడు దెయ్యం ఉందని కూడా నమ్ము. దెయ్యం నాకు చూపించు. నొప్పిగా ఉందా? నొప్పుని చెప్పాడుగా. మీరు కేసు వదనో
हवा का है, पढ़ाई का है, पढ़ाई करते हो? ఈ ప్రాణం చూపించు, కనపడనివన్నీ అబద్ధాలు కావు, కనిపించవన్నీ నిజాలు కావు అని మీ ఖురాన్లో చెప్పారా? మన భగవద్గీతలోనూ చెప్పారు. జాతస్యహి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద్ పరిహార్యర్థే న త్వం సోచితుమర్హసి. ఇంకో అల్ట్రా నాలెడ్జబుల్ బతాయే. నిజమైతే ఈ ఫకీర్ కట్టే తాయితో నిజం, నువ్వు కొట్టే కొబ్బరికాయ నిజమైతే నేను కట్టే నిమ్మకాయ నిజం, దేవుడు ముందు ఇది నిజమైతే మతిస్థిమితులు లేని వాడిని గొడ్డును బంధట్టు బాధనవేంటి? వీడు చాలా ప్రమాదంలో ఉన్నాడు. వీడు ఇక్కడ ఉంటే ప్రమాదం. क्या दिख गया? उसे प्रमाद हमले उन्नत ही वाडू कादू नू नी चुट्टू चाला प्रमादम पहुंची उन्दी नन्नो नम्बित आउन कुंठ नवा हनी नें चप्पे दी निजम नी नाथ कालू नाथ गर सागो वेली पो विंटर ने वेली पो नी वोर निंच वेली पो अम्मा पक्कीरे या अंत कट्टी का चप्पू ना डंटी ये तो कार न उन्नत उन्दी नू वोर को आधिकार चंद्रमा नू वोर का चंद्रमा दी सो पता नहीं इनकी बात माने कोई बड़ों की बात मानता ही नहीं आजकल. तो फाइनली अरुंधति को भी वो गढ़वाल ले ही आए. अब वो खुद आ गई या वो लेके आए? हाँ वही लेके आए ना, मतलब उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, टेप चला दी, पानी गिरा के उन्हें गिरा दिया, अरुंधति गढ़वाल आ गई. बट अब देखना ये रहेगा कि वो फोर्ट में जाएगी या नहीं. और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो चली जाएगी, बिकॉज जैसा इन्हें दिखाया गया कि भूत में नहीं मानती और ये सब चीज़ों को बकवास मानती है, तो वो उस लाइक लड़के की बात मान लेंगे कि उसकी वाइफ वहाँ पे उस फोर्ट में है, और वो शायद उसकी हेल्प करने उस फोर्ट में चली भी जाए बहुत इजीली. तो ये तो बहुत ही इजी वे आउट हो जाएगा. बट नाउ अब हमने देखा कि उस फकीर के ज़रिए इन्हें पता तो चल गया कि वो डेंजर में है, और उनकी जो उनके साथ जो लेडी आई थी, उनकी जो मेड आंटी है, उन्हें तो विश्वास है कि अगर ये कह रहा है तो ऑफ कोर्स ये सच ही कह रहा होगा, और इसकी जान को शायद वाकई में खतरा हो सकता है यहाँ पे. इसलिए उन्होंने वार्न भी किया कि अगर ये कह रहा है तो सही है, तो जाए यहाँ से. बट ऑफ कोर्स अरुंधति लाइक आजकल की जनरेशन की है, तो वो कहीं ना कहीं इन बातों में नहीं मानती. और वो जिस तरीके से एक्चुअली लोगों को ट्रीट कर रहे थे, मार के और ये सब करके, वो शायद हो सकता है कि लोग नहीं करे आजकल के बिलीव. लाइक हम भी अगर देखेंगे तो हम सोचेंगे यार ये तो गलत कर रहे हो और इन सब में क्यों मान रहे हो, है ना, ये तो अंधविश्वास है. बट हाँ, इस मूवी में दिखाया गया और कहीं ना कहीं उसे भी सब कुछ एक्चुअली में सच रियल पता लग जाता है. उसे जैसे इसके बारे में पता लग गया कि अरुंधति को डेंजर है, तो यस वो सही बोल रहे हैं. ऑफकोर्स वो तो हमें भी पता है, बट यस इंटरेस्टिंग बन रही है बहुत ज्यादा मूवी, और देखने में आगे और भी मजा आएगा. चाहे अरुंधति को बिलीव ना हो रहा हो, पर लेकिन व्यूअर्स को बिलीव करवाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की है. जैसे वो बच्चे का यूरिन एकदम से उन्होंने एकदम से निकाल दिया, फिर वहाँ पे उसके अंदर से भी वो पूरी चुड़ैल जो आदमी घुसा हुआ था उसको निकाल दिया, एंड साथ में अरुंधति का भी. अरुंधति ने सिर्फ उनको छुआ एक बार, उनका सिर्फ माले पे हाथ रखा, तो उनको सीधा ही सारे उनके फ्लैशबैक्स आ गए कि अरुंधति को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमारे को जितना बिलीव कराने की बात है, तो हमें तो बिलीव करवाया कि ये आदमी बहुत सही है, इसको नॉलेज भी है, और साथ में जो ये है कि ये पूरा एक अच्छा कैरेक्टर है जो कोशिश करेगा शायद अरुंधति को बचाने की, किस तरीके से काम करने की. और जो अरुंधति है वो तो ऑफ कोर्स ये है कि लाइक वो कोशिश कर रही है कि भाई किसी भी तरीके से सबको अच्छा कराने की, और शायद वो जैसे तू कह रही है कि वो शायद उस फोर्ट में चली भी जाए, तो इससे बहुत इजी हो जाएगा. यहाँ पे जो विलन था, जो भी मेरे ख्याल से जो यहाँ कह सकते भूत है, भूत क्योंकि गढ़वाल आने में भी इशू नहीं हुआ, एक बार उसने बस गिरा दिया यहाँ पे और फिर वो फटाफट भागती हुई आ गई, तो वो फोर्ट भी बहुत आराम से इस तरीके से ले आएगा. तो बट मुझे ये जानना है कि हाउ इज इट पॉसिबल, अगर वो भूत ट्रैप्ड है तो वो कैसे फिर वहाँ पे पहुंचा? हाँ वो भी चीज है कि भूत ट्रैप्ड है तो उसके पास इतनी शक्ति कैसे आ रही है कि वो ऐसे पास कर रहा है, या फिर वो हैदराबाद में जाके वो कहीं ना कहीं देख पा रहा है कि वो कैसी है, लाइक वो जैसे उनको देखा था पहले उनकी शादी में गया था, तो वही वो चीजें कैसे कर पा रहा है, तो वो चीज देखेंगे. आपको पता तो आप जरूर बताएगा, तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए. बाय.